अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मईशत और महंगाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले अब आपको बता दें कि नवाज शरीफ साहब जो कि 2019 में यहाँ से चार हफ्तों के लिए अदालत से इजाज़त लेके अपने इलाज के लिए लंदन गए थे, और उसके बाद हमने देखा कि उनका जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया था, उसको रिन्यू नहीं किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और आज जो खबर ये आई है कि उन्होंने जो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था बरतानिया की हुकूमत से, उन्होंने उसको इनकार कर दिया है। और अब ये फैसला किया गया है नवाज शरीफ साहब के जो वकला हैं उनकी जानिब से कि वो अब इमिग्रेशन के वहाँ पे जो उनकी अदालत है उससे वो राबता करेंगे और उससे इस केस को टेकअप करेंगे। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो हायर जुडिशरी है बरतानिया के अंदर उससे भी राबता किया जा सकता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हमारे जो वज़रा हैं उनका ये कहना है जी कि अगर नवाज शरीफ साहब खासकर हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अगर वो वापस आना चाहें तो 24 घंटे में उनको जो सफरी दस्तावेजात हैं जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं खासकर वो बात कर रहे होंगे पासपोर्ट के हवाले से, वो इशू किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो उन जो बरतानिया की इमिग्रेशन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको वीज़ा एक्सटेंशन से इनकार कर दिया है, लेकिन क्या वो वहाँ से इमीडिएटली उनको वापस भेज दिया जाएगा? क्या वो अदालतें जो है उनको रिलीफ दे सकती हैं, उनका जो वहाँ पे स्टे है वो एक्सटेंड कर सकता है? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब, पहले उनसे बात कर लेते हैं और फिर मैं अपने जो पैनल हैं उनका तारुफ करवाता हूँ। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, ये बताइएगा कि अब क्या ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ साहब के पास? देखिए ये उन्होंने जो उसकी तोसी में जो जो है उसकी इजाजत नहीं दी वो तो एक बिल्कुल नेशनल सी बात थी। एक तो उनका जो पासपोर्ट है जिसपे उन्होंने ट्रेवल किया था बरतानिया पाकिस्तान का, एक तो वो उसकी जो है मियाद पूरी हो चुकी है, और दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी उनको जो है वो प्रोक्लेम डिफेंडर डिक्लेयर किया है और गालबन उनका पासपोर्ट भी मंसूख हो चुका है। तो ऐसी सूरत में यकीनन उनके लिए मुश्किल है, लेकिन बरतानवी कवानीन के मुताबिक उनके इमिग्रेशन लॉज के मुताबिक उनको एक अपीलेट अथॉरिटी उनकी है जिसमें वो अपील कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो बरतानिया की आला अदलिया से भी रजू कर सकते हैं, लेकिन वह ये एक मेरा ख्याल मुश्किल सूरत हाल है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी, पीएमएलएन के लिए भी, क्योंकि सफरी दस्तावेज का वैलिड ना होना या उसका मंसूख होना जो है उस पर जिस मुल्क में आप ठहरे हुए हैं और उसका वीज़ा भी आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसकी तोसी में यकीनन कानूनी मुश्किल का इनको सामना करना। ठीक है शाह साहब, क्या वो पोलिटिकल असैलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सियासी पनाह जिस तरह से लोग ले लेते हैं, कोई भी ग्राउंड से? जाहिर है कि वो यही ग्राउंड पेश करेंगे कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है इस तरह की सूरत हाल में। जी बिल्कुल, उनके पास जो मेरा ख्याल है ये जो उनके कानूनी उनके पास जो ऑप्शंस हैं अगर वो भी एग्जॉस्ट कर दें और उनको कोई रेमेडी ना मिले तो फिर तो यकीनन उनके पास वहाँ पे पोलिटिकल असाइलम सियासी पनाह लेने के अलावा तो और कोई चारा नहीं रहेगा। और मेरा ख्याल है कि वो चूंकि उनके कवानीन इस तरह के हैं कि वो असाइलम तो कम अज कम उनको वहाँ मिल जाएगा, उनके पास खासी जो है वो मवाद मौजूद है इस चीज़ के लिए, तो मेरा ख्याल है कि एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर उनके पास यही एक तरीका रह जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया का कोई बायलैटरल ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसमें कि लोगों को अगर कोई मुजरिम है या मुलजिम है या सजा याफ्ता है उसको वापस लाया जा सके, तो व्हाट ऑप्शन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू हैव एट द मोमेंट? देखिए पाकिस्तान ने तो पहले भी अपनी ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज की हुई है कि वो बरतानवी गवर्नमेंट को और उनके होम डिपार्टमेंट को मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कह चुके हैं, लेकिन उनके अपने कवानीन हैं, वो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को जो है वो ऑनर करें, और किया भी नहीं उन्होंने अभी तक। तो वहाँ पे उनको जबरदस्ती लाने वाला या इस तरह फोर्सेस मेजर्स इस्तेमाल करके, ये तो मैं समझता हूँ कि वो तो सारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सारे ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर चुकी है, वहाँ से तो उन्हें कुछ नहीं देना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर वो वापस आना चाहें वॉलंटरीली तो उनको जो है वो पाकिस्तान हमारा जो हाई कमीशन है वो उनको आउट पास जो है एक इमरजेंसी वन पेजर पासपोर्ट होता है
वो तो उनको दे सकते हैं कि एक दफा वापस ट्रेवल करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके चांसेस हमें नजर नहीं आ रहे क्योंकि ऐसी उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो मुल्क में वापस आए। अच्छा शाह साहब, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जब ये जाएंगे इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के पास अपना केस लेके, जैसे कि PMLN की लीडरशिप ने और उनकी जो वकला हैं वो इस हवाले से उन्होंने फैसला भी कर लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सर्टन लॉयर्स वो जाके उसको कंटेस्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि वो उसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनका जो ट्रिब्यूनल है वो पाकिस्तान की ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो शायद वो न कबूल करे। उसकी वजह ये है कि उनके अपने कानून कवानीन है, वहाँ पे उनके इमिग्रेशन लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है या होम डिपार्टमेंट है वो खासा इंडिपेंडेंट होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किसी दबाव या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इस तरह का वो जो है वो लेने के लिए उनके पास वो गुंजाइश मौजूद है। तो वो जो उनका जो ट्राइब्यूनल है वो मेरिट्स के ऊपर फैसला करेगा और वो जो उनके कवानीन हैं उसके मुताबिक ही फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, आपने हमें और हमारे नाज़रीन को जो है वो लीगल पोजीशन से आगाह किया। नाज़रीन, यकीनी तौर पे ये एक सियासी एतबार से भी इखलाकी एतबार से भी मुश्किलात होंगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लिए। अब देखना ये है कि वो डिसीजन क्या करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि बरतानिया की हुकूमत ने उनको वक्ती तौर पर एक इनकार किया है उनके वीज़े को एक्सटेंड करने के लिए। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पिछले एक अरसे से हमने देखा है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, ख़ासकर जो खाने पीने की जो अशिया हैं और जो एनर्जी की हम देखते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बिजली गैस के बिल, इसकी वजह से आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। काफ़ी ज़्यादा आवाम के अंदर एक गम गुस्सा भी पाया जाता है और परेशानी भी पाई जाती है, क्योंकि उनकी जो इनकम है और इनकी जो एक्सपेंडिचर है, उनकी जो अखराजात हैं वो मैच नहीं कर पा रहे। और चूंकि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वादे किए थे कौम के साथ, तो अब जाहिर है कि अगर वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते तो फिर लोग सवाल करते हैं और परेशानी और उनका जो एक रिजेंटमेंट है वो भी एक जायज़ दिखाई देती है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप हमारे मशियात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें टाइम दिया जी। कामरान सहर साहिबा, आप सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फॉर्मर सेनेटर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हारिस खलीक साहब सीनियर तजियाकार हैं और आप मुख्तलिफ बुक्स आपने लिखी हैं, बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आने से कबल मैं चाहूँगा कि एक खान साहब की साउंड बाइट्स थी, वज़ीर आज़म बनने से कबल उन्होंने टैक्सों के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, मैं चाहूँगा कि वो पहले अगर आप सुन लें और फिर इसके ऊपर थोड़ा जो है वो टैक्सों के हवाले से कि टैक्सेस जो हैं जो बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, ख़ासकर चीज़ें जो महंगी हो रही हैं उस पर आपका कॉमेंट लेते हैं। पहले खान साहब की जो है साउंड बाइट। जब आप आवाम पे टैक्स लगाते हैं गरीब गुरबत बढ़ जाती है, जितना टैक्स लगता है आवाम पे आवाम के पास खरीदने की कुव्वत कम होती जाती है, लोग गरीब होते जाते हैं, कौम गरीब होती जाती है, छोटा सा तबका अमीर होता जाता है। ये याद रखें, कोई मुल्क दुनिया में तरक्की कर ही नहीं सकता अगर इकतदार में लोग आके मुल्क को लूटना शुरू करें, वो फिर मुल्क को मकरूज करेंगे, कर्जे लेंगे, और कर्जे कैसे वापस करेंगे? आप पे टैक्स लगते हैं, हर चीज महंगी होती है, पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है, एक लीटर पे 35 रुपया, एक लीटर डीजल पे 50% टैक्स। जी डॉक्टर साहब, खान साहब ने जो कुछ कहा वो तो हम तक नहीं पहुंचा, आप बता दीजिए कि मैंने क्या स्टेटमेंट दी। खान साहब ने यही कहा था कि जब टैक्सेस लगते हैं तो आवाम पे बोझ पड़ता है, चीज़ें महंगी होती हैं, एक डीजल के ऊपर गवर्नमेंट जो है तकरीबन 50% जो है वो टैक्सेस लगाती है, पेट्रोल के ऊपर 35% टैक्सेस लगाती है, तो आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, जो मंशूर PTI का आया था 2018 में, वो अगर आप उस पर नज़र डालें तो वो बड़ा एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट है
और खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने पाकिस्तान की जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनकी उनकी आइडेंटिफिकेशन की, उनकी शनाख्त की, बताया है कि ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद फौरन ही उनके हल भी सामने रखे। और जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, जो चार दर्जन मरतबा इस्तेमाल किया गया, वो इस्लाहात का लफ्ज था। उन्होंने कहा था कि हम टैक्सेस में इस्लाहात लाएंगे, हम पावर सेक्टर में इस्लाहात लाएंगे, और टैक्सेस के ऊपर खास तौर पे मंशूर में ये लिखा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी कि जो गैर मुनसिफाना टैक्सेस हैं, तकरीबन उस वक्त 60% टैक्सेस ऐसे थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब यह है कि उनका बोझ जो है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी इनकम गिरती जाती है, जिसका मतलब ये है कि जो गरीब तरीन तबकात हैं, जो गरीब तरीन घराने हैं, उनके ऊपर इसका टैक्स का बोझ जो है वो सबसे ज्यादा पड़ता है। इस वक्त ये हालत है कि तकरीबन 65% टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट पहुंच चुके हैं, यानी कि आज से 3 साल पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कम थे और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए हैं, यानी कि गैर मुनसिफाना टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, 60 से 65% पे चले गए हैं, जिसका मतलब ये है कि जो गरीब तरीन तबकात हैं, घराने हैं, उनके ऊपर इस पर टैक्स का बोझ जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ चुका है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा अगर आप जानना चाहते हैं तो वजीर आजम साहब ने अभी जो कुछ ही दिन पहले वो जो टेलीफोन पे बातचीत करते हैं आवाम से, उसमें उन्होंने खुद से ये कहा कि जो सर्वे किया है एहसास प्रोग्राम वालों ने, तो वो ये बता रहा है कि तकरीबन 40% पाकिस्तान की जो आबादी है वो इस वक्त शराय गुर्बत से गिर गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वजीर आजम साहब ने कहा और हवाला दिया है जो एहसास प्रोग्राम का जो सर्वे उन्होंने किया है, यानी कि इस वक्त कोई 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से गिर गए हैं। और हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि वो जो 12,000 रुपए की किस्त मिलती है उसके मुस्तहक हो गए। अब ये सर्वे जो 3 साल पहले आया करता था उसमें तकरीबन 30% आबादी थी जो शराय गुर्बत से नीचे थी। तो आप समझिए कि उस वक्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे रह रहे थे और आज 9 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। चलिए मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी 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 डॉक्टर साहब प्लीज वजह बता दें। जी वजह दो वजूहात अभी आपने अपने पढ़ाई में भी बताई कि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है और उसके साथ साथ आमदन जो है वो पिछले 2 सालों से मुसलसल गिर रही है, तो दो धारी तलवार चल गई, अब महंगाई बढ़ चुकी है। बिल्कुल ठीक है सैर साहब, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उनका जायजा लें, जिसमें चीनी है, घी है, आटा है, दालें हैं, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, इवन आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो मोहतरम वजीर आजम साहब ने बड़े मराद भी इस गवर्नमेंट ने दी और उसके अंदर हमने बूम भी देखा, वहाँ पे अब सीमेंट की आप प्राइस देख लें 600 से ज़्यादा ऊपर चली गई है, जो एक बैग है उसका सीमेंट का जो सरिया है वो तकरीबन 1,60,000 का फी टन हो गया, जो कि 2018 में तकरीबन 80,000 का 85,000 का था। सो इसी तरह बाकी भी अगर आप कीमतें देखें तो बढ़ी हैं, तो इससे गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से गुर्बत को कम कर पाएगी और ये जो टैक्सेस का एक भरमार हम देखते हैं उसकी वजह से लोगों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। आज के दिन की मुनासिबत से मुझे 1 मिनट दें कि जो भारतीय जारियत है मैं उसको कंडेम कर सकूं। जी प्लीज। आरिफ खलील साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो रहा है इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसका उन्होंने शनाख्त पत्र दी और जिस तरीके से जो है उसको दुनिया का एक सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप बना दिया है, वहाँ पे खवातीन के हवाले से बात करना चाहूंगी कि वो जिस जबर और जुल्म का शिकार है, जिस तरह से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बंद है, जिस तरह से भारतीय जारियत जो है वो जारी है, तो आज का दिन कंडेम करने का भी है और एक अहम दिन हमारी इंट्रोस्पेक्शन का भी है कि हम ये देखें कि क्या हमने वाकई एक सही डिप्लोमेसी की कश्मीर की कॉज को उजागर करने के लिए, क्या हमने जो OIC मेंबर स्टेट्स हैं उनके तमाम हेड ऑफ द स्टेट से या वज़ीर ख़ारजा के साथ बराह रास्त रब्ता किया, क्या हमने जो है जो दीगर आलमी ताकतें हैं उनके साथ हमने कोई बेहतर डिप्लोमेसी की कि हम इस फौज को लेके आगे चलें, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, इसके साथ पाकिस्तान की बहुत सी जो है वो
वफादार भी जुड़े हुए हैं और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की आगे जिंदगी और उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी जुड़ा हुआ है। तो मैं समझती हूँ एक अहम टॉपिक था इस पर मैं बात करना चाह रही थी, जब आपसे एक मिनट लिया। आपने जो बात की है इन्फ्लेशन की, मैं समझती हूँ कि फरोख सलीम साहब के होते हुए किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो अदाद शुमार देते हैं वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी एग्रीकल्चर के हवाले से, यानी अगर मैं देखूं जनवरी 2020 और अब भी देखूं कि जनवरी 2021, तो मैं कहूंगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर की 100% बढ़ गई है। हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है जिसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर मुसलसल बात हो रही है, चीनी जो है वो हमें किस कीमत पे मिल रही है, हर चीज की प्राइस किस तरह से बढ़ गई है, और आज आपका इकोनॉमी की जो बैकबोन है, आपका जो फार्मर है, जो ग्रोअर है, वो किस कर्ब और अजाब से गुजर रहा है। फरोख सलीम साहब ने लोअर मिडिल क्लास की बात की, मैं कहूंगी कि आपकी मिडिल क्लास इस वक्त जो है वो ब्रेक हो रही है, और जब आपकी मिडिल क्लास ब्रेक हो रही हो तो उस वक्त आप ये सोचें कि आपकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही होती है। यानी डीएपी की कॉस्ट जो इस साल के शुरू में 3,500 थी वो अब 6,000 तक है, और वो भी आपको आपके जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास नहीं मिलेगी, वो आपको बताएंगे कि आप डीलर से लें और ब्लैक में मिलेगी, उससे भी ज्यादा की मिलेगी। इसी तरीके से जो आपका डीजल की प्राइस बढ़ी है, आपका जो लाइफ प्रिपरेशन की कॉस्ट है वो जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि डीजल के साथ जो है आपका फैक्ट्री चलता है, आपके इम्प्लीमेंट मशीनरी हर चीज से रिलेटेड है, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। तो आपका मतलब है कि आपका फार्मर जो है वो उसके लिए इतनी सतर्क नहीं रही कि वो जो है वो अपनी प्रॉपर जो है जमीन को कल्टीवेट करे। इसका मतलब एक और हमारे सामने मरहला आएगा फूड सिक्योरिटी का। बिल्कुल एक और चीज आपको बताऊँ, चाइना का भी मैंने खबर सुनी थी कि आपने कोविड के केसेस थे जिसकी वजह से जो है चावल की जो है इम्पोर्ट उसके ऊपर जो है उनकी ऑपरेटिंग क्या कोशिशें की है बेहतर सर्टिफिकेशन के लिए। तो ये तमाम बहुत अहम मौजू है जिनके ऊपर देखना पड़ेगा, वरना आगे आने वाला वक्त अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज करें साहब की तरफ, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, मैं आपकी तरफ तो आरएस साहब जो चैलेंजेस पड़ेंगे। हारिस साहब, गवर्नमेंट जो रीजन बताती है वो कहती है जी के दो रीजन, एक तो ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो कर्जे लिए हैं उसकी वजह से जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ गई है, और दूसरा वो ये कहते हैं जी कि कोविड की वजह से ये पूरी दुनिया की मईशत जो है वो नीचे आई है उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। क्या कहना है आपका जी? बहुत शुक्रिया वहीद। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फरोख सलीम भी मौजूद हैं और मुहतरमा सेनेटर साहर कामरान भी हैं जिनकी बड़ी नज़र है और नज़दीक से ये लोग देखते रहते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे दो इस सिलसिले में आपका जो सवाल है उसके अर्ज करूँ कि देखिए, कर्ज लेने का जहाँ तक सवाल है तो जो मईशत होती है दुनिया की, खासतौर पर जो सरमायादाराना मईशतें हैं वो कर्ज पर ही चलती हैं, क्रेडिट पर चलती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि उनमें ग्रोथ होती है। अमेरिका का जो इंटरनल डेट है या जो अमेरिका ने बाहर से कर्जे लिए हुए हैं वो उसका कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान या दीगर ममालिक से ने जो कर्जे लिए हुए हैं, लेकिन ग्रोथ और प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ की वजह से मईशत आगे बढ़ती है, महज कर्ज लेने का मसला नहीं है। लेकिन जो एक बात अहम है वो ये कि जो पिछली हुकूमत ने 5 साल में जितना कर्ज लिया था वो मौजूदा हुकूमत पहले 11 महीने में ले चुकी थी। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि अगर कर्ज लेना ही मसला है तो फिर मौजूदा हुकूमत। दूसरा आरएस साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो टैक्सेस के हवाले से गवर्नमेंट ये कहती है जी कि हम जो है वो उसका बेस ब्रॉडन करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें दिखाई नहीं देता और टैक्स टू जीडीपी जो है वो बढ़ नहीं पाया। कई सालों से इस गवर्नमेंट के अंदर भी एक चैलेंज रहा है। तो हुआ ये है कि खान साहब ये कहते रहे कि इस मुल्क को लूट के चले गए, दो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को वो कहते रहे, आपको भी मालूम है जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली, बाकी लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो कुछ वो लूट के बकौल उनके चले गए हैं उसका सारे का सारा जो अब नजला जो है या खमियाजा जो है वो 22 करोड़ अवाम के ऊपर देखा जा रहा है कि डाला जा रहा है, यानी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता इस आर्ग्यूमेंट से कि पिछली हुकूमतों ने सारी बर्बादी कर दी और जो मईशत को वेंटिलेटर पे लगाया हुआ था तो हमने आके वेंटिलेटर उतार दिया। देखें, मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए, फरोख सलीम साहब के सामने इस तरह की गुफ्तगू करना मेरा फोर्टे नहीं है, लेकिन मैं चूंकि आपके नाजरीन के लिए ये मैं आपको याद दहानी के लिए कुछ बातें बता दूं कि ये इस गुफ्तगू की वजह क्या है जो आज हो रही है। दवाएं 2.5 गुना, 3 साल में दवाओं में 2.5 गुना इजाफा हुआ है।
बिजली का यूनिट 8 रुपए से 25 रुपए का हो गया है, आटा 35 रुपए से 70 रुपए किलो हो गया है, पेट्रोल जो है चले वो बैन अल-अक़वामी मंडी का अपना मसला होता है और उसमें कसाद बाजारी हो या मंडी में तेल की कीमतें ऊंची नीची हो, लेकिन 80 रुपए से 120 रुपए हो गया है लीटर। पाकिस्तान में अपनी आला तरीन यानी हाइस्ट प्राइस पे इस वक्त पेट्रोल दस्तियाब है और उसमें जाहिर है कि जो सेस है लेवी है उसी की बुनियाद पे वो इतना महंगा हुआ है। चीनी 55 रुपए से 100 रुपए किलो हो गई है, अंडा 8 रुपए से 15 रुपए का हो गया है, सोना जो है वो जो 50-55 हजार रुपए तोला था वो 1,30,000 रुपए तोला है, डॉलर 108 रुपए का इसहाक डार साहब छोड़ के गए थे 124 का कर दिया था मिफ्ता इस्माइल ने और अब आज 164-165 का है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि मैं तो एक आम शहरी की हैसियत से अगर देखूं तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 25,000 या 22,500 भी अगर एक बुनियादी आपने मिनिमम वेज कर दी हुई है तो जो कि सबको नहीं मिलता उसमें कोई आप मुझे बजट बना दें, यहाँ इतने इतने समझदार वकील फहीम लोग बैठे हमारे हमारे वजीर आजम मोहतरम वजीर आजम सर आम किसी वर्किंग क्लास के घराने का भी बजट बना, बिल्कुल सही है। एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक जी इजाजत दीजिए, एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक नाजरीन लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं कि बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको हमारी जो हुकूमत है वो कैसे कंट्रोल कर पाएगी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे जो है वो ये हुकूमत करती रही है। मैं चाहूँगा कि एनर्जी सेक्टर जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर महंगाई मुख्तलिफ अशिया जो है वो महंगी होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों, आपकी बिजली हो, आपकी गैस हो, और फिर हमने बहुत ज़्यादा वो आगे चल के बात भी करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से एलएनजी के हवाले से। नदीम बाबर साहब जो हैं फारग हुए, कहाँ चले गए कोई पता नहीं है। खान साहब ने क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, वो ज़रा आपके सामने रखेंगे। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरे हुए मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दू, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। जी डॉक्टर फारूख सलीम साहब, जो सुन पाया हूँ मैं वो बिजली के बिल के हवाले से शायद वजीर आजम से वजीर आजम साहब ने कुछ कहा, उनकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच रही। ऐसे ही है वो बिल जलाने की जो बात कर रहे थे। जी 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 देखिए पावर सेक्टर का अभी जो अदालत कुमार हारिस साहब ने आपको दिए वो दुरुस्त है। 3 साल पहले घर की बिजली दुकान की बिजली तकरीबन 8 या 10 रुपए की फी यूनिट होती थी, आज वो 22-23 रुपए पे चली गई और इस खत्ते की सबसे महंगी है, प्रॉब्ली इस दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है। देखिए एक तो जो हमारी मईशत है वो 5 या 6 आधा दर्जन बड़े बड़े कार्टेल हैं जिनको वजीर आजम साहब अपनी जुबान में माफिया कहते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा कार्टेल है वो पावर का कार्टेल है और वो जो रिपोर्ट आई थी हुकूमत ने खुद से निकाली थी उसमें कहा गया था कि तकरीबन 5,000 अरब रुपए का टीका लगाया है पेट्रोल के सॉरी पावर के कार्टेल ने अवाम को। अब वो टीका तो लग गया, उस कार्टेल का क्या हुआ? इसी तरह शुगर का कार्टेल है, इसी तरह एक खाद का फर्टिलाइजर का कार्टेल है, इसी तरह एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो कारें बना रही हैं उन्होंने एक कार्टेल बना रखा है। अब ये हालांकि गवर्नमेंट ने सॉरी मैं वैसे गवर्नमेंट ने कहा जी 1,00,000 रुपए हमने गाड़ी जो है वो सस्ती कर दी है, लेकिन साथ ये भी बताना चाहिए था कि 2018 के बाद 3 सालों के अंदर गाड़ियां जो हैं वो 8 लाख 10 लाख यानी जितनी बड़ी गाड़ी है फिर उतनी बड़ी उसकी कीमत बढ़ती रही है, ये भी बताना चाहिए था। प्लीज गो अहेड वजीद साहब, कारों के हवाले से आप सोचिए कि टोयोटा कोरोला जो सस्ती तरीन है वो इस वक्त 30 लाख रुपए की पाकिस्तान में मिल रही है और ये जापान में आपको इससे आधी कीमत की जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली, पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाली कारें आपको मिल रही हैं और ये क्योंकि हुकूमत ने खुद से एक कार्टेल बना रखा है, इनका मुनाफा जो है आपको कैप्टिव मार्केट में रखी हुई है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही कारें बिकेंगी और वो अरबों रुपया बना रहे हैं
अपनी 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 बैलेंस शीट में अपनी इनकम स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं और नुकसान हो रहा है जो खरीद रहा है। सस्ती तरीन टोयोटा करोला जो है वो 30 लाख की पाकिस्तान में ऐसे आधी कीमत पे जो 15 साल एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपको जापान में मिल जाएगी, आधी कीमत पे तकरीबन वो आपको इंडिया में मिल जाएगी। तो कारों का एक कार्टेल है, एक पावर का कार्टेल है, उसे एक शुगर का कार्टेल है, एक फर्टिलाइजर का कार्टेल है। इसका जिक्र मंशूर में किया गया था पीटीआई कि इन इन कार्टेल्स को तोड़ना, इन कार्टेल्स ने पाकिस्तान की मईशत को यरगमाल बना रखा है। और ये पीपल्स पार्टी के जमाने में भी थे, ये पीएमएलएन के जमाने में भी थे। हम लोग इस उम्मीद में थे कि पीटीआई की हुकूमत आएगी और इन कार्टेल्स को तोड़ेगी। देखिए जब तक ये कार्टेल्स नहीं टूटते तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो कोई भी सीधी सिमत में जाने वाली नहीं है। कार्टेल पैसे बनाएंगे, 22 करोड़ आवाम जो है उसके जेब से ही पैसा निकलेगा। जिसको आपको याद होगा हम वो रॉबिनहुड की कहानी बचपन में हमें सुनाई जाती थी कि एक रॉबिनहुड था जो अमीरों से पैसा लूटता था और गरीबों में पैसा बांटता था। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान जो है ये रिवर्स रॉबिनहुड है, ये गरीबों की जेबों से पैसे निकालते हैं और अमीरों की जेबों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। आप सोचिए कि अभी आरिफ साहब ने आपको बताया कि आटा जो है वो 35 रुपए किलो था 3 साल पहले, 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है 800 अरब रुपया खर्चते थे और अपनी सालाना आटे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते। आज पाकिस्तानियों को 1800 अरब रुपया खर्चना पड़ रहा है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो 1000 अरब रुपया इजाफी आपकी और मेरी जेब से निकला है, तो जाहिर बात है अगर आपकी और मेरी जेब से निकला है तो किसी की जेब में गया भी होगा। ठीक हो गया। मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर साहब वो कार्टेल वाली जो साउंड बाइट है वजीर आजम साहब की वो भी अगर रेडी करके उसको चला दें तो फिर मैं माफिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है फिर मैं कामरान सैद साहब की तरफ चाहता हूँ। जी मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूँ, शक्लें उनकी उतरी हुई होती हैं कि जी लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई तो इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह, एक को नहीं छोड़ेंगे। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूँ और मैं ये आज आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी इसमें मुलव्वस होगा इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। और दूसरा हम सिस्टम इंशाल्लाह ऐसे लेके आएंगे कि आगे से पहले से हमें पता होगा कि कौन सी चीज की अगर कमी हो तो हम पहले से या इम्पोर्ट करेंगे या हम पहले से तैयार होंगे उसके लिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और दूसरी हमारी एक इकोनॉमिक कमेटी है, ये कमेटी ये देखेगी कि महंगाई ना हो खाने पीने की चीजों पे। मैं आज इन सब लोगों को जो जखीरांदोजी का सोच रहे हैं मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके खिलाफ आएगा, हमारी जो रियासत है पूरी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं आपके खिलाफ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी, वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे हम। सैर साहिबा क्या वजह है कि माफियाज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने ज्यादा वादा किया था कि हम इनके खिलाफ जाएंगे? तो बात ये है कि जब माफिया जो है वो फाइनेंसर हो सपोर्टर हो, मैं तो जब मेरे घर का बिजली का बिल आता है तो मैं सारा वक्त लाइट बंद करती रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये बनीगाला का जो घर है इमरान खान अहमद यानी साहब तो कहते हैं तनख्वाह बहुत कम है तो वो उनका बिल कौन देता होगा? तो सकती हूँ कि क्या उनके घर का मतलब ड्रोन भी है, घर भी है, ठीक है, जाहिर बात है कि कोई सिक्योरिटी भी होगी, बाउंड्री वॉल पे भी लाइटें जलती होगी, तो वो जो बिल है वो जो आमदनी कहते हैं कि तनख्वाह बहुत कम है, उनकी आमदनी के कोई और जराए भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है, तो उनके बिल कौन देता होगा, तो उनका किचन कौन चलाता होगा? देखिए बात यह है कि कुछ बातें हकीकत में है कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने जिनको वो माफियाज कहते थे वो उनके दाएं बाएं बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं, उनके आगे पीछे बैठे हैं और उनको वो कैसे सलाह देंगे? जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तो उन्होंने कार्रवाई की ना, वो तो इतने इम्पोर्टेंट पार्टी के सीनियर लीडर थे, उनके खिलाफ सारा कुछ किया, इंक्वायरीज भी कर रहे हैं अभी, आई डोंट नो के उसकी अब आउटकम क्या होगा, बट गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है इस हवाले से। देखिए वही यहाँ गुमान होता है कि इस
ने कोई जुर्म किया होगा, ठीक है, वो एक की प्रोपेगेंड होती है, और इससे पहले कि उस गुमान के बारे में सोचा जाए गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है। मैं मतलब आप ये देखें कि सैयद खुर्शीद शाह साहब 2 साल से जेरे हिरासत है, तो मैं तो अब कुछ नहीं कहती, क्योंकि अभी आप कोई बात करो तो आपको FIA के नोटिसेस भी आते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है FIA के नोटिसेस से, इसलिए मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन एक बात बताएं कि जो कौम नलायकी की कीमत अदा करेंगे, अगर आप बर्बक LNG नहीं खरीदते, आप बर्बक सौदा नहीं करते, आप महंगा सौदा करते हैं, तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? अगर जो है आपकी दुनिया भर में जब तेल सस्ता हो और आप सौदा नहीं करते और उस वक्त आपके पास गायब हो जाए और जब आप कीमत बढ़ा दें, तो फिर आप बताएं कि जी कीमत बढ़ाई, हमने क्या मैनेज किया, अब तेल अवेलेबल हो गया। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी नलायकी की भी होगी? क्या इसको हम सिर्फ नलायकी समझें? ठीक हो गया हारिस साहब जी, मुझे ब्रेक लेनी है। हारिस साहब मुझे काइंडली बता दें कि देख बातें जितनी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिफोर जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, बाद में भी अभी भी क्लियरली वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जितने भी माफियाज हैं ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जाहिर है कि गवर्नमेंट को भी शेक कर देते हैं, उसके इदारों को भी, मतलब दे डोंट लेट देम टू फंक्शन? देखिए बात मेरा तो एक बड़ा इस पे बुनियादी इस्तदलाल ये है कि जब तक पाकिस्तान में समाजी जमहूरियत नहीं होती और जब तक अगर आप वाकई समाजी जमहूरियत से मुराद सोशल डेमोक्रेसी है, मगर जाहिर है कि हम समझते हैं कि मार्केट के बगैर काम आगे नहीं बढ़ता, लेकिन मार्केट को रेगुलेट करना और मोनोपोलीज को तोड़ना जिसकी तरफ डॉक्टर फरोज सलीम ने एक मतलब तवज्जो दिलाई है, वो बात यही है कि आपके यहाँ कॉम्पिटिशन कमीशन भी है आपके यहाँ, लेकिन साथ साथ ये इजारा दाराना सरमायादारी जिसे हम कहते हैं ना मोनोपोली कैपिटलिज्म, वो अपनी बदतरीन शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद है और उसका एक ब्लेंड है लार्ज लैंड होल्डिंग के साथ जिसमें प्रोडक्टिविटी पे कोई जोर नहीं है, जिसमें एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने पे कोई जोर नहीं है, तो ये इजी मनी है और इस इजी मनी में आपके फाइनेंशियल मार्केट और आपके पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं अपना। नहीं, यही लोग तो लाते हैं ना, देखे ना, यही तो इन्वेस्ट करते हैं, यही फंड करते हैं, यही लेके आते हैं हुकूमतें। मतलब एक तरफ तो आप कहते हैं ना कि फौज ने इंतखाबी अमल में या सियासी अमल में मुदाखलत की, मगर दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें ना कि पैसा किसका लगता है, तो पैसा तो यही इन्हीं सरमायाकारों का पैसा है ना, इन्हीं सरमायाकारों के जरिए से ये हुकूमतें बनती हैं। जहांगीर तरीन साहब के जहाज पे किसी जमाने में शहबाज शरीफ साहब भी वैसे घुमा करते थे, लेकिन तवील अरसे तक इमरान खान साहब का सारा खर्च वही उठाते रहे। इसी तरह अलीम खान साहब हैं, इसी तरह उनकी अपनी बहन है, उनकी अपनी हमशीरा जो है, अभी उनके बारे में इत्तला आई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के $450 मिलियन की उनकी प्रॉपर्टी है अमेरिका में, मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक दुरुस्त है, मगर ये मैंने पाकिस्तान के अखबार में खबर पढ़ी है। तो ये कहीं ये कहां से पैसे आते हैं और ये कहां जाते हैं और ये कैसे ये इसकी मूवमेंट होती है? इमरान खान साहब जाती तौर पर खुद ना कुछ करते हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ ये सारे काम डेलीगेट किए हुए हैं, तो अगर आपने ये आउटसोर्स कर दिए या डेलीगेट कर दिए काम, तो उसके बाद आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे उनकी नियत पे कोई शुबा नहीं है, वैसे मुझे उनसे उम्मीद कोई नहीं थी जो फरोख सलीम साहब को थी एक जमाने में जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद इसलिए नहीं थी कि उस इस निजाम को जब तक आप नहीं बदलते, जिस निजाम के तहत ये हुकूमतें मुंतखब होती हैं, अगर आप उस निजाम को तब्दील करने की कोई ख्वाहिश और कोई किसी किस्म की कोई तवज्जो उस तरफ हमारे तबके अशराफिया और उमरा की नहीं है, तो इसी तरह से हुकूमतें चलेंगी और इसी तरह से निजाम आगे बढ़ेगा। पहले भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, मगर अब सूरत हाल ये है कि अब बिल्कुल पानी सर से ऊंचा हो गया, चूंकि रोजगार नहीं है, महंगाई का ये आलम है। देखिए हमें पड़ता बहुत सारी बातों से जो बैन अलावामी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ये दुनिया में हो रहा है और वो हो रहा है, हमें तो ये पता है कि बच्चों की तालीम, अपने बुजुर्गों की सेहत, ये सारा, मेरी वालदा की जो दवाएं 3 साल पहले 10,000 की आती थी वो अब 28,000 की आती हैं। अब अगर मेरी इतनी इतनी इनकम ना हो कि मैं 28,000 की दवाएं खरीद सकूं, तो मैं क्या करूँ, क्या होगा? बिल्कुल सही है, मैं एक और ब्रेक ले लूँ नाज़रीन क्विकली, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मईशत और महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर फरोख सलीम साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मेरा गुजारा तनख्वाह में नहीं होता, पहले उजरत के हवाले से बात की भी है आरएस फलीक साहब ने, मैं चाहूंगा कि ये सुन के तो फिर आप इस पे कमेंट कर दें प्लीज। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क का मुश्किल वक्त है जी। डॉक्टर फरोख सलीम साहब,
पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि एटलीस्ट 95% पाकिस्तानी घटाने जो है उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, महंगाई हम सब जानते हैं। असल सवाल ये बनता है कि क्यों महंगाई क्यों हो रही है, इसके पीछे वजूहात क्या है और हुकूमत को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए की महंगाई होती है या एक वो जो मईशत दान कहते हैं डिमांड पुल, यानी कि आपके पास अगर शहर में 200 दर्जन केला आ गया है लेकिन खरीदारों के पास माल इतना है कि वो ज्यादा खरीदने चाहते हैं तो फिर केले की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी कहलाती है कॉस्ट पुश। अब जो डिमांड पुल है पाकिस्तान में लोगों की जेब में पैसा तो नहीं, तो इसका मतलब है कि वो डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है जो महंगाई आती है डिमांड पैसा ज्यादा होने की वजह से वो वजह पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे कॉस्ट पुश है जो अभी आप पहले भी जिक्र कर रहे थे। कॉस्ट पुश का मतलब ये है कि अगर आपका पेट्रोल महंगा आ रहा है तो जो सब्जी आपकी उठाई जाएगी फार्म से वो जब पहुंचेगी आपको महंगी होगी। अगर बिजली आपकी महंगी आ रही है तो जिस चीज में भी बिजली जा रही है उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो महंगा होगा। तो सवाल ये बनता है कि बिजली कौन महंगी कर रहा है, गैस कौन महंगी कर रहा है। अगर आप रुपया आपका गिर रहा है तो वो कौन गिरा रहा है जिसके नतीजे में जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो एक चीज तो पक्की हो गई कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कॉस्ट पुश के नतीजे में है, यानी कि बिजली की कीमत महंगी हो रही है, पेट्रोल की कीमत महंगी हो रही है, तो जो इनपुट्स जा रहे हैं वो महंगे हो रहे हैं। तो सवाल आपने ये पूछना है कि उनको महंगा कौन कर रहा है। जी ठीक हो गया। सहर साहिबा आप मुझे ये बता दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ औकात के अंदर आटा हो चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों के हवाले से एलएनजी के हवाले से कमेटीज बनाई गई, उसका जिक्र भी मोहतरम वजीर आजम साहब ने किया लेकिन अभी तक कोई एक्शन हमें दिखाई नहीं दिया। दूसरा वजारतों के अंदर हमने देखा कि खामोशी से लोगों को चले गए, उसके बाद कोई नदीम साहब नदीम बाबर साहब की मैंने बात की, इसी तरह अर्शद हुसैन साहब जो हैं वो भी खामोशी से चले गए, फाइनेंस मिनिस्टर चले गए लेकिन किसी के कोई वजह नहीं बताई जाती। तो ये क्या इसका मतलब आप समझती हैं कि इसी तरह चलता रहेगा ये? देखिए जफर मित्तल साहब का तस्करा करना भूल गए, इसी तरीके से आप ये भी देखेंगे कोविड के ऊपर ऑडिट नहीं हुआ कोविड का जो फंड आया, तो ये बहुत ज्यादा आप ये देखें कि करप्शन चल रहा है। और सिर्फ ये है कि जो एक खास कैफियत में है वजीर आजम साहब जो कि बातें तो करते हैं अमल आपको नजर नहीं आता, बल्कि जो मैं समझती हूँ कि जो बात अभी हारिस अली साहब ने कही थी कि उन्होंने डेलीगेट कर दिया ये सबको कि वो जो है उनके दाएं बाएं लोग हैं जो सहूलतकार हैं जो कि काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो करप्शन का जो हाल है उसके साथ साथ एक और चीज की मैं निशानदेही करना चाहूंगी कि ये जो महंगाई है इन्फ्लेशन है इसकी वजह से जराइम की तादाद में जो इजाफा हो गया है। मैं अब खसूसन कैपिटल सिटी की बात करूंगी कि आप ये देखें कि दिन दिहाड़े जो है स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं, डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। मतलब मैं खुद बताऊं कि मेरे बहुत से जानने वाले हैं जिनके घरों पे ये भी नहीं कि कोई रात को दिन दहाड़े जो है वो, और ऐसी जगह पे जिसको आप समझते हैं कि बहुत सेफ स्ट्रीट्स हैं, दिन दहाड़े डाके पड़े। तो ये जो जराइम का रेट बढ़ रहा है, बैग खींच के भाग रहे हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, ये भी इसको भी देखने की जरूरत है कि ये जो आज जब लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो लोग मजबूर हैं। जैसे अभी बताया हारिस अली साहब ने कि दवाइयां अगर माँ की 28,000 रुपए की आएंगी तो कौन सा बेटा है कि जो माँ को दवाई ला के नहीं देगा, कि अपने घर की जरूरियात पूरी नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर आपके पास जायज वसाइल नहीं है तो नाजायज वसाइल जो है या जराइम के ऊपर लोग कंपेल भी हो रहे हैं। इस तरह के हमने वाकया पढ़े हैं कि लोग कहते हैं कि हमने गाड़ी के टायर चुरा दिए और पर्ची लगा दी कि जी टायर इसलिए चोरी किए क्योंकि पैसे की जरूरत थी। तो देखिए ये जो हालात हैं इन पे बिल्कुल गौर करने की जरूरत है। और इमरान खान अहमद ज़ियादी साहब को एक दफा ये भी सोचे कि उनके आने की कीमत जो है वो ये कौन क्या अदा कर रही है और हमारा कल कैसे होगा। जैसे मैंने भी पहले बात की निशानदेही की कि फूड सिक्योरिटी वुड बी नेक्स्ट अलार्मिंग चैलेंज फॉर अस। बिल्कुल सही। आरिफ साहब क्या ये सिस्टम, जैसे पहले भी आपने कहा कि सिस्टम का मसला है, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहते भी होंगे कि चीज़ें ठीक हों, ये मामलात बेहतर हों, लेकिन वो सिस्टम के अंदर जकड़ा हुआ है सारा कुछ और जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती है, क्या यही वजह है? नहीं देखिए विल भी नहीं है,
और जो एक पाकिस्तान में एक बिल्कुल एक एलीट कैप्चर है रियासत का, और उसमें जिन लोगों के पास इस वक्त भी जो जिस किस्म की सरमायाकारी यानी सरमायाकारी नहीं माजरत के साथ जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं वो इंसेंटिव जो हैं वो अमीर को अमीरतर बनाने के लिए हैं। और ये कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं है कि यहाँ कोई ट्रिकल डाउन के जरिए से लोगों तक उसके जो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि पौने 300 अरब की गाड़ियां पिछले साल में बिकी हैं, यानी जो बैंक से लोगों ने लोन लेके गाड़ियां ली हैं। नहीं तो देखिए ना, पौने 300 अरब की गाड़ियां अगर बैंक से लोन लेके उन्होंने ले ली हैं लोगों ने, तो वो लोन किस हद तक अदा होंगे ये हम पीली टैक्सी की स्कीम में भी देख चुके हैं। और हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट ने अगर नोट छाप छाप के लोगों को देने हैं, और एक जो बात आपने की थी ना कि 30 लाख की फरुख सलीम साहब ने, देखें जो गाड़ी जो यहाँ पे 1800 सीसी की गाड़ी जो पाकिस्तान में बनने वाली सबसे बड़े साइज की गाड़ी है, यानी कि जो दुनिया में मीडियम साइज कार है या स्मॉल कार है वो हमारे यहाँ सबसे, वो 1800 सीसी की गाड़ी 3 साल में 25 लाख से 42 लाख की हुई। अब देख लें तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर पौने 300 अरब को आप 3 साल पहले ले जाएं तो वो कितने अरब होंगे। मतलब है कि आप ये भी तो देखें ना कि रुपए की छोटी गाड़ियां, आपको मालूम है आरएस साहब कि छोटी गाड़ियां ये मेहरान और इस टाइप की गाड़ियां जो 5-6 लाख रुपए की 6.5 लाख की चले, कोई एक लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से ले, अब वो गाड़ियां ही बंद करके आल्टो ले आए जो कि 16 लाख 17 लाख 15 लाख तक पहुंच चुकी है। हु कैन अफोर्ड जो उस गाड़ी की जो अगर आप वो क्वालिटी देखें तो बिल्कुल जो है ना वो डब्बे की तरह है छोटी सी। देखिए मैं लोगों के इनफरादी हक की समझता हूँ, हिमायत करता हूँ कि वो अगर कोई अपने लिए कोई एक आरामदेह गाड़ी खरीदना चाहता है तो जाहिर है अगर मैं खरीदना चाहता हूँ या आप खरीदना चाहते हैं तो हर एक को हक है। लेकिन सवाल ये है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो इन्वेस्ट नहीं किया। अभी 2 दिन पहले इतवार को मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का रेडियो का प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें फिर वो ये कह रहे थे कि ये मेट्रोज बनाना, ये सड़कें बनाना के बजाय कुछ और करना चाहिए, हालांकि कर वो सब कुछ वही रहे हैं। तो एक दिन वो एक बात होती है, अगले दिन कोई और बात शुरू हो जाती है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आज सब चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा कमेंट कर दें कि अभी जो इन्होंने इलेक्शन जीते हैं कश्मीर में या सियालकोट वाले, तो ये जो महंगाई है इतनी ज्यादा या माशी जो बदहाली है जो पाकिस्तान की मुल्क की जो पोजिशन है, वो फिर अवाम जो है वो अभी तक पीटीआई जो है वो पॉपुलैरिटी क्यों गेन कर रही है? उसकी वजह ऑपोजिशन की कमजोरी है, क्योंकि ऑपोजिशन में साहर कामरान हमारी बहन यहां बैठी हुई है, जब पीडीएम मजबूत थी तो पूरे इन्होंने बाय इलेक्शन स्वीप कर लिए थे पूरे पाकिस्तान में। अब इन लोगों ने मिलकर फैसला किया है, पता नहीं इनकी पार्टी ने किया है, दूसरों ने ज्यादती की है, इन्होंने आपस में ऑपोजिशन को कमजोर कर दिया है। नून लीग के अपने अंदर भी इख्तलाफात हैं, मगर साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात की वजह से जाहिर है कि पीटीआई, ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि पीटीआई का वोट बैंक नहीं है, लेकिन आजाद कश्मीर के इलेक्शन को सियालकोट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आजाद कश्मीर में एक बिल्कुल और तरह से इलेक्शन हुए हैं, सियालकोट का इलेक्शन जो है उस पर आपकी बात बजाय। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का जी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो चाहता है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।